हेलो फ्रेंड, रिगेंचर में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछला एक वीडियो बनाया था आईपीसी सेक्शन 376 सब सेक्शन 2N पे एक वीडियो बनाया था, जिसमें महिलाओं से शादी का वादा करके उनसे फिजिकल रिलेशन बनाने के बारे में मैंने उसमें बताया था कि कोई भी अगर शादी का वादा करता और फिजिकल रिलेशन बनाता और बाद में शादी से मना कर देता तो वह एक तरीके से 376 का अपराध। उसके बारे में मैंने उस वीडियो में पूरा डिटेल से बताया था। दोस्तों, उस वीडियो के बाद मेरे पास बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आए। दो इम्पोर्टेंट सवाल मैं आज आप लोग की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहला ये, पुलिस गिरफ्तार करती या नहीं करती है। दूसरा ये सवाल था कि चार्जशीट कितने दिन में पेश हो। तो इन दोनों बातों को आज हम इस वीडियो में बहुत ही डिटेल से और बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत ही आसानी से समझेंगे। दोस्तों, अगर आपने 376 सबसेक्शन 2N का वीडियो अगर नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी। दोस्तों, इसके लिए हमें सीआरपीसी सेक्शन 173 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 को देखना होगा। सबसे पहले हम रीड करते हैं और उसके बाद हम इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझते हैं। द इन्वेस्टिगेशन इन रिलेशन टू ऑफेंस अंडर सेक्शन 376, 376 ए, 376 ए बी, 376 बी, 376 सी, 376 डी, 376 डी ए, 376 डी बी और 376 ई of the Indian Penal Code 8060 shall be complete within 2 months from the date on which the information was recorded by the officer in charge of the police station. धारा 173 उपधारा 1 खंड क भारतीय दंड संहिता 1860 की, धारा 376, 376 क, 376 क ख, 376 ख, 376 ग, 376 घ, 376 घ ख, 376 घ ख या 376 अंग अधीन किसी अपराध के संबंध में अन्वेषण उस तिथि से जिसकी पुलिस थाने के कार्यभारी अधिकारी द्वारा सूचना अभिलिखित की गई थी 2 माह के भीतर पूरा किया जाएगा। दोस्तों, जैसे अभी आपने हिंदी और इंग्लिश में सुना कि 376 के जितने भी ऑफेंस है इसमें पुलिस किसी भी एफआईआर को दर्ज करती है, उसके 2 महीने के भीतर में उसको चार्जशीट फाइल कर उसको चलान पेश। आपको एक सवाल का जवाब मिल गया कि किसी भी 376 के अपराध में यानी दुष्कर्म के अपराध में पुलिस को 60 दिन के अंदर में उसको चार्जशीट फाइल करना। यह बातें 2009 के अमेंडमेंट में बता। अब इसके बाद हम समझेंगे कि बहुत सारे लोग का ये सवाल होता है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद लड़के की गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर रही है। तो इसके बारे में बता दूं, गिरफ्तारी करना और नहीं करना ये तो पुलिस के ऊपर छोड़ दिया गया, क्योंकि सीआरपीसी की सेक्शन 41 ही उनको ये पावर देती है कि अगर उनको लगता है किसी भी अपराध में कि वो गिरफ्तार एक्यूज का करें या ना करें, लेकिन अगर गिरफ्तार करते हैं तो भी इसका रीजन बताना है, और अगर वो गिरफ्तार नहीं करते तो इसका भी रीजन बताना है कि क्यों वो गिरफ्तार नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 376 के मामले में पुलिस कभी भी गलतियां नहीं करती, क्योंकि उसको पता है कि 60 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी है और रिपोर्ट पेश करना है। तो जब तक किसी भी एक्यूज को अपने कस्टडी में पुलिस नहीं लेती है, उसे अच्छे तरीके से पूछताछ नहीं करती है, किसी भी फियर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं बता दूं आपको, मैं पूरी 100% क्लियर नहीं बता सकता कि सारे मामले में पुलिस को गिरफ्तारी करना है, लेकिन कुछ एक मामले को छोड़ के पुलिस जरूर गिरफ्तार, क्योंकि उसको चार्जशीट फाइल करना है। लेकिन दुष्कर्म के मामले में जब 60 दिन की बात आती है कि 60 दिन में उसको कोर्ट में चार्जशीट फाइल करना है, उसमें दुष्कर्म के जो एक्यूज पर्सन होते हैं उनको पुलिस तत्कालीन गिरफ्तार करती है ताकि उनसे सारे सबूत को इकट्ठा किया जाए और चार्जशीट कोर्ट में पेश किया जाए। दोस्तों, अभी आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जो 2 डाउट था दुष्कर्म के मामले से जुड़ा हुआ, चार्जशीट कितने दिन में फाइल हो सकती है और पुलिस किसी एक्यूज पर्सन को कितने दिन में गिरफ्तार कर सकती है, तो मैंने उस डाउट पे मुझे पूरा विश्वास है कि आपका क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप में मुझसे जुड़ सकते हैं, आप मुझसे व्हाट्सएप पे कॉल के माध्यम से बात भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं फिर से किसी नए टॉपिक किसी नए धरोहर पे बहुत जल्द मिलूंगा। आपको मेरी इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।